राज्य सरकार ग्रामीण इलाके की जनता को प्राथमिक उपचार दिलाने में असमर्थ है, ऐसा वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के विधायक गिरीश व्यास ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाके की स्थिति और भी बदतर है। शहर में दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ ही प्रशासन की सुस्त कार्यप्रणाली भी उजागर हो रही है, जिसके चलते विरोधियों द्वारा उन्हें हर तरीके से घेरा जा रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के विधायक गिरीश व्यास ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने ग्रामीण भागों का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ लोगों को प्राथमिक उपचार भी नहीं मिल रहा है। जैसा माननीय भवन कुले साहब ने बताया, उन्होंने पहला एक दौरा किया पूरे ग्रामीण का, पश्चात हमने भी पूरे ग्रामीण में दौरा किया। तहसीलदार के साथ, पंचायत समिति के सारे डॉक्टरों के साथ हमने मीटिंग करी, और मीटिंग करने के बाद देखिए सादी सादी दवाइयाँ जो वहाँ के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में होनी चाहिए वो भी वहाँ उपलब्ध नहीं। मेरे पास जितनी यादें और प्रस्तावें उस सारे दवाइयों के, तो शर्म आती है ऐसी सरकार पर कि जो प्राथमिक अवस्था में वहाँ पर जो पेशेंट जूझ रहे हैं उनको दवाई भी देने में असमर्थ है, और कलेक्टर हो, पालक मंत्री हो या कांग्रेस के कोई नेता, ग्रामीण के दो दो मंत्री हैं पर किसी भी प्रकार का ध्यान उनका वहाँ पर नहीं है। ये दुख की स्थिति है। मैंने मेरे फंड से 50 लाख रुपए के प्रस्ताव वहाँ पर मंजूर करने के लिए कलेक्टर साहब से मिला, प्लानिंग में मिला, नियोजन में, और कहा कि तुरंत ऐसे। इस वक्त उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए और कहा कि ग्रामीण इलाके की जनता को प्राथमिक उपचार दिलाने में असमर्थ है सरकार। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।